तुर्की वो देश है जिसे हर बार भारत से गद्दारी की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तुर्की और पाकिस्तान को इंडिया ने ब्लॉक करके रखा हुआ है कि ये इसका हिस्सा नहीं बन सकते या ना बने। रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन से लौटे पीएम मोदी ने एक ऐसा खेल कर दिया है जो शानदार है। भारत ने तुर्की की जो एप्लीकेशन थी ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। तुर्की बहुत रो रहा है पूरे प्लेटफॉर्म पे। मोदी साहब का अगर आप देखें ब्रिक्स समिट में एक लीडर थे जिनसे वो मिले नहीं और वो है अर्दोगान। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है सारी जगह रो रो कर फोन कर बता रहे हैं हमारे ऊपर त्राहिमाम हो गया, हमारे साथ नाइंसाफी हो। पाकिस्तान तो पाकिस्तान बल्कि तुर्की भी पाकिस्तान के सपोर्टर के रूप में देखने को मिलता है और भारत को ब्रिक्स के अंदर केवल पाकिस्तान नहीं चाहिए बल्कि पाकिस्तान के सपोर्टर भी नहीं चाहिए। ये भारत ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर चाइना ने नहीं बनाया, चाइना ने गेम खेल दिया पाकिस्तान के साथ, चाइना ने एक साजिश करी पाकिस्तान के साथ। और तुर्की को भी ये सोचना चाहिए कि साहब आप नेटो मेंबर हो, आप यहाँ पर ब्रिक्स में घुसोगे उसके बाद यहाँ से स्पाइंग करके सारे उस चीजें उस तरह बताओगे, यू थिंक पीपल विल एक्सेप्ट दैट? इट इज नॉट गोना हैपन। भारत का स्टैंड भी तुर्की को लेके बदल चुका है और भारत की गुडविल अब और ज्यादा तुर्की को नहीं मिलेगी, ये रिसेंटली भारत ने दर्शा दिया है। अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स उसे लिए परेशान पड़ी है तो तुर्की की हालत बहुत खराब हो गई है। यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहता है, वो कह देते हैं भैया हमें नहीं चाहिए। तो एर्दोगान का एक ड्रीम है कि भाई तुर्की ब्रिक्स को ज्वाइन करे और किसी एक बड़ी ग्रुपिंग का पार्ट हो, यार वो सिर्फ नेटो का पार्ट है और काफी टाइम से वो सोच रहा है कि भैया हम ईयू में भी ज्वाइन करें बट ईयू में उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। भारत ने तुर्की की जो एप्लीकेशन थी ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। भारत बोलता है यार ये पाकिस्तान के साथ उल्टे काम करता है, इसको नहीं लेना, पाकिस्तान को तो लेना नहीं, इसको भी जरा डब्बे में डाल के आगे कर लो। और लेकिन हमको ये बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि तुर्किश जो प्रेसिडेंट है अर्दोगान, उनका हमेशा से एक गेम रहता है कि वो डबल स्टैंडर्ड की तरफ खेलते हैं और किस तरह से बार बार कश्मीर का नैरेटिव उठा उठा के पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उन्होंने काफी उल्टे सीधे काम करने की कोशिश बहुत बारी करी। And this is not gone unnoticed by Bharat, and Bharat ने इसके ऊपर काफी बारी उसको झटका भी मारा है। Having said that, देखिए मोदी साहब ने भी उनके एड्रेस में बड़ा क्लियरली बोला था, consensus driven platform है, consensus से ही कोई एंट्री होनी चाहिए, बिना consensus के एंट्री should not be acceptable, और जो कोर फाइव members हैं उनका जो एक value system है, उनका एक जो नजरिया है उसको respect करना बहुत जरूरी है। No matter or no decision should be taken unanimously, ताकि ये जो एक हमारा एक नया structure हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम लोग दुनिया में कुछ कुछ करते हैं, we don't want to spoil that because of just favoritism, ठीक है। और ये favoritism का जो एक reference था मोदी साहब का, ये indirect reference है, चाइना को एक जरा थोड़ा सा ठोका था कि देखो यार आप पाकिस्तान पाकिस्तान के जरा ड्रीम रूम छोड़ दो। और यही चीज रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान में खड़े होकर बोल दी थी कि नहीं एक्चुअली हम चाहेंगे पाकिस्तान को अंदर लेना, लेकिन यार पंगा ये है कि यार कंसेंसस ड्रिवन है, तो जब कंसेंसस बनेगा तो हम आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान ने एप्लीकेशन डाली कि नहीं डाली ये तो पता नहीं किसी को, लेकिन एप्लीकेशन डालने से पहले ना जो कोर फाइव मेंबर्स है उनकी थोड़ी लॉबिंग करनी पड़ती है, पाकिस्तान ने तो वो भी नहीं करी। मोदी साहब का अगर आप देखें ब्रिक्स समिट में एक लीडर थे जिनसे वो मिले नहीं और वो है अर्दोगान। तो जब आप 2+2=4 करते हैं तो आपको कुछ दिखता है कि साहब कहीं ना कहीं ये चक्कर है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं भारत में कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान को ले लेना चाहिए यहां पर, तो एबीपी न्यूज उसने एक एक्सक्लूसिव प्रीमियम पोस्ट डाला था कि साहब इंडिया लाइकली टू सपोर्ट पाकिस्तान ब्रिक्स मेंबरशिप। तो ये थोड़े जो डिल्यूजनल से लोग हैं इनको जरा हमको थोड़ा समझाना चाहिए कि यार भारत अपने इंटरेस्ट के आगे जाके ये चीजें नहीं करेगा। और तुर्की को भी ये सोचना चाहिए कि साहब आप नेटो मेंबर हो, आप यहाँ पर ब्रिक्स में घुसोगे उसके बाद यहाँ से स्पाइंग करके सारे उस चीजें उस तरह बताओगे, यू थिंक पीपल विल एक्सेप्ट दैट? इट इज नॉट गोना हैपन। और जो पोटेंशियल अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, अमेरिका एंड चाइना, तुर्की का जो ब्रिक्स वाला रोल है वो एकदम टेढ़ा हो जाएगा, एंड दैट इज समथिंग ऑब्वियसली नो कंट्री विल एक्सेप्ट, क्योंकि एक वल्नरेबिलिटी वहां पर क्रिएट होगी। तो टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान को जरा ये जो ड्रीम वर्ल्ड में वो रहते हैं उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या तो टर्की को अपना प्रेसिडेंट चेंज करना पड़ेगा या अर्दोगान को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि इस तरह की गेम्स चलेंगी। भारत का तो एक नजरिया बड़ा क्लियर है, टेररिज्म के बारे में मोदी साहब ने अपने लेक्चर में 2-3 बार रेफरेंस करा और उन्हें यहां तक की ग्लोबल रिफॉर्म ऑन टेररिज्म करने की बात करी और रेडिकलाइजेशन रोकने की बात करी कि जो भी कंट्रीज हैं उनकी तरफ एक क्लैरियन कॉल दिया कि साहब आपने अपनी कंट्रीज में रेडिकलाइजेशन को रोकना है। तो कई कंट्रीज के और कई लोगों के कुछ जो सपने थे चूर चूर मिट। बहुत बड़ा फोरम है और इस दफा जो ब्रिक्स समिट हुई कजान रशियन सिटी में,
टर्की और पाकिस्तान को इंडिया ने ब्लॉक करके रखा हुआ है कि ये इसका हिस्सा नहीं बन सकते या ना बने। हकीकत क्या है इस हवाले से आज बात करेंगे, और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद वसीम अल्ताफ साहब। वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान ने अगस्त 2023 में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। यस। और पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। राइट। अच्छा, अब इंडिया जो है, इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात इम्प्रूव नहीं हो सके। हमने इंडिया का जो यहाँ पे हाई कमिश्नर था अजय बसारिया, उनको यहाँ से हमने पारित कर दिया। हमने इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं बनाए। हम प्रोपेगेंडा करते रहे, उससे पहले हम जो कुछ भी कार्रवाइयाँ करते रहे इंडियन कश्मीर में, वो रोज़े रोशन की तरह आया है। इवन इंडिया के अंदर भी हम ने अपना काम जारी रखा। आप देखिए कि उनकी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उनकी एक सबसे बड़ी जो एक इंडस्ट्रियल सिटी है बॉम्बे, वहाँ पे हमने, मुंबई जिसको कहते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी करवाई। तो फिर जो उड़ी और पुलवामा में हुआ, अभी तक कुछ अर्सा पहले तक भी अटैक्स हो रहे थे, हमारा मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा। अब ये सारा कुछ हम करते रहे और फिर हम इंडिया से एक्सपेक्ट करें कि इंडिया हमें सपोर्ट करेगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। बिल्कुल। तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने स्ट्रेस किया इस चीज़ को कि कंसेंसस ज़रूरी है किसी भी नए मेंबर को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए। तो अब जाहिर है कि इंडिया जो है वो उसका कंसेंसस नहीं था ना इसमें कि पाकिस्तान शामिल हो, इवन टर्की शामिल हो, तो शामिल नहीं हुए। देखिए, टर्की है ना, जो टर्की का जो राष्ट्रपति है एर्दोगान, उसके दिमाग में ना एक फितूर छाया हुआ है कि जो खिलाफत था, जो खिलाफा जो था कभी इस्लामिक वर्ल्ड में, मुझे उसे वापस से रिवाइव करना कोशिश की बेचारे ने। भैया नाटो का मेंबर बन गया और पता नहीं क्या क्या कि खिलाफा होगा, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, खिलाफत के चक्कर में पेट में मरोड़ होने लगी क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, दिक्कत परेशानी अपने देश के अंदर इतनी आ गई कि इस तरीके से गिर गया वो, यहां तक कि तख्ता पलट होने की संभावना थी। शायद कहा जा रहा है कि रशिया ने बचाया, कोई कह रहा है खुद ही करा दिया, जो भी है। अब इतनी सारी सिचुएशन, इतनी प्रॉब्लम्स टर्की के अंदर आ गई कि उसे समझ नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि भैया मैं एक कैंप में रहूंगा, सिर्फ नाटो में रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैं अपने दोनों पैर दो नावों में रखता हूं, एक नाटो में रखता हूं, एक रशिया के साथ रखता हूं। तो उसने कहा कि भैया ब्रिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। उसने मेंबरशिप डाली कि भैया ये ऐसे ऐसे पर्चा बना के कि हाँ साहब मुझे ब्रिक्स में मेंबरशिप दे दो, ब्रिक्स मीटिंग हो रही है। अब वो वहां पहुंचे। अब कहा यह जा रहा है क्योंकि उसकी जो करीबी है, करीबियत है, वो पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान, मलेशिया और ये टर्की ने, ट्रायो ने मिलकर भारत में कोशिश की थी कि भैया भारत को परेशान किया जाए, मुस्लिम वर्ल्ड को भारत के खिलाफ खड़ा किया जाए। तो मलेशिया वालों को तो भारत ने बस इतना कहा, ऐसा है कल से पाम ऑयल मत भेजना, हम अपना खाना सरसों के तेल में और इसमें बना लेंगे। तो मलेशिया वाले तो वहीं सरेंडर हो गए, भैया अरे ठीक ठीक ठीक, हमें कोई मुस्लिम वर्ल्ड नहीं बनाना, हमें तो पेट भरना है, अब ठीक है पाम ऑयल लेते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्की वर्की है तो भूखे नंगे है, पाकिस्तान तो वैसे ही मरने को तैयार है, इसके चक्कर में हम अपनी ऐसी तैसी क्यों करेंगे, छोड़ो इन्हें। मलेशिया भाग गया, इनका ट्रायो छोड़ के। अब बचे दो, अब ये कभी कह रहा है तुझे ड्रोन दूंगा, कभी ये टेक्नोलॉजी दूंगा, वो दूंगा। एक पॉइंट तो आप भूल ही गए, इनके जो प्रेसिडेंट थे जो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे पीएम मोदी के सामने, उनको रिजाइन करना पड़ गया था, उनकी जगह दूसरे को लाना पड़ गया था, इन ऑर्डर टू कन्विंस इंडिया, दैट कन्विंस भारत कि दे मीन बिजनेस एंड दे आर सीरियस अबाउट इट। मतलब द मैटर इज सो हाई लेवल कि प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा और उनकी जगह नया प्रेसिडेंट आया मोदी जी के साथ तालमेल बिठाने के लिए। जी, अब टर्की ने सोचा यार ये तो एक तो भाग गया, चलो दूसरे को मजबूती से पकड़ा जाए, इसे ड्रोन रोन और पता नहीं क्या क्या हथियार है वो सब बेचा जाए। अभी लेके पहुंचा, भैया ये ड्रोन है, पाकिस्तान वालों ने कहा भैया पैसे वैसे नहीं है, दान में देके चला जाता हूं, तो बता, तो पैसे वैसे हमारे नहीं है, हम तो अपनी जेब में से चोरी कर ले, इस जेब में से चोरी करके इसमें डाल लेते हैं, तुझे तो कहां से पैसा देंगे, हम अपने खुद से भीख मांग लेते हैं। हम तो हमें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि इंडिया अब एक इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है हर जगह, बिल्कुल, चाहे वो SCO हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 हो,
इंडिया की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, तो हमें सबसे पहले जो फोकस करना है वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस पे करना है, ताकि कल को हम इंडिया की सपोर्ट हासिल कर सकें मल्टीलैटरल फोरम्स पे। और अब हम देख लें ना, इथियोपिया जैसा मुल्क जो है वो उसमें शामिल हो चुका है, ईरान को उन्होंने शामिल कर लिया है, यूएई को शामिल कर लिया है, सऊदी अरेबिया है। हाँ, सऊदी अरेबिया अभी मेरा ख्याल फुल मेंबर नहीं बना, सऊदी अरेबिया तो कोई भी नहीं बना, वो कहते पांच ये बने लेकिन 13 को और को शामिल किया इन्होंने, 13 लोग जी नहीं, ये शामिल हो गए हैं अब, ये ईरान, इजिप्ट और यूएई और इथियोपिया जी, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया ने अटेंड किया है, लेकिन वो अभी फुल मेंबरशिप मिलनी है सऊदी अरेबिया को। तो अब बात ये है कि हमें इंडिया के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अपने मुल्क की मौशी हालत बेहतर हो और इस तरह के मल्टीलेटरल फोरम्स के ऊपर इंडिया हमें सपोर्ट करे और हमारी शमूलियत हो और हम आलमी सतह पे मुख्तलिफ जो इस तरह के अलाइंसेस हैं उनमें इंटेग्रेट हों, तो फिर इंडिया की ज़रूरत रहेगी हमें, और इंडिया के साथ बेहतर तल्लुकात बनाना हमारी अपनी एक ज़रूरत है। भारत ने जो टर्की की जो एप्लीकेशन थी उसको ब्लॉक करके बोला है कि साहब ये बाकी सब तो ठीक है, ये नहीं आएगा अंदर, ठीक है ये हम इसको लेंगे नहीं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी एक डेवलपमेंट है, और इसका रीजनिंग जो सब लोग दे रहे हैं कि साहब बिकॉज पाकिस्तान के साथ टर्की की काफी अच्छे रिलेशंस है और काफी हद तक ये उल्टे सीधे काम करता रहता है और काफी मतलब स्टेटमेंट देता रहता है। ऑल दो इस बारी यूएनएससी में जब यूएनजीए में वो जो यू नो इनका जो रजत तय्यिप एर्दोगान का जो एड्रेस था उसके अंदर उन्होंने पहली बारी ऐसा था कि टर्की ने कश्मीर का नाम नहीं लिया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है। नाउ इसको थोड़ा सा और गौर से हमको देखना पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तान की भी एंट्री को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। काफी लोग भारत के अंदर एक नैरेटिव चला रहे थे, नहीं नहीं पाकिस्तान को ना पार्टनर कंट्री मॉडल की तरफ से अंदर लेना चाहिए क्योंकि रीजनल नेबरहुड को आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। काफी कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश करी लेकिन ये सब कचरे के डिब्बे के अंदर गया, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट रियलिज्म जो है ना यार ये समझ में कई कम लोगों को आता है, कोई बात नहीं। अब रियलिज्म का जो फॉरेन पॉलिसी है वो जिस तरह से भारत खेलता है हमको ये बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भैया वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, ताकि जो मर्जी उसके बाद कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। सो दिस इज समथिंग पीपल नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ऑफकोर्स इंडिया ने वीटो करा इन दोनों को और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद देखिए ब्रिक्स ने टर्किश प्रेसिडेंसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि साहब ब्रिक्स का कोई एक्सपेंशन का इस टाइम पे एजेंडा ही नहीं था, तो अभी ये जो भारत का जो ब्लॉकिंग है उसका तो कोई वो चक्कर ही नहीं है। अब ये मेरे को समझ में नहीं आता कि साहब 13 मेंबर्स ऑलरेडी जो पार्टनर कंट्री मॉडल में घुसे हैं उनका तो कंफर्मेशन आ गया लेकिन टर्की का नहीं आया, तो ये टर्किश प्रेसिडेंसी कहां पर एक किसी को स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रही है। चले कोई बात नहीं यार, करना पड़ता है, हम समझते हैं उस चीजों को। नेटो स्टेट जो है टर्की, इसका बड़ा एक फोकस है जिसमें आपको बताया उसको ब्रिक्स में घुसना है क्योंकि उसको रशिया के पास रह के एक गैस हब बनाना है अपने अंदर, ताकि यूरोप की जो डिपेंडेंसी है गैस के ऊपर वो अपने ऊपर डाल सके, ताकि आगे जाके वो फिर यूरोपियंस के साथ नेगोशिएट कर सके और यूरोपियन यूनियन की भी मेंबरशिप ले सके। ये काफी टाइम से एक टर्की का ख्याल रहा है कि साहब मेरे को ना यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, एंड यू नो मेरे को आगे जाके इस ग्रुपिंग का पार्ट बनने का उसका एक ड्रीम है।